गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर देखा था, ठीक है। मैं सोचता हूँ वो समझ में भी आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन SN अभिक्रियाओं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो पैरेलल चलते हैं अपन, जिससे याद रहने में अपने को सुविधा रहेगी, ठीक है। एक बार क्रिया कराते हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो गया आपका क्या, सिल्वर साइनाइड। नहीं आता है तो नाम लिख लेना, पोटेशियम साइनाइड और उसका सिल्वर साइनाइड। यहाँ KCN से अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ AgCN से क्रिया देखेंगे। क्या करते हैं अपन, देखो अपन ने एल्कोहल लिया, KCN को इसमें घोल लिया, एल्कोहलिक विलयन ले लिया, मतलब KCN का। ऐसे ही यहाँ एल्कोहल में AgCN को घोला तो एल्कोहलिक विलयन हो गया, ठीक है। इन पे ज़्यादा आप के लेवल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो केवल ये याद रह जाए वो बहुत है, ठीक है। हो सकता है ये हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। ये लोग क्यों ज़्यादा डीपली, अपने को क्या मतलब है, क्यों आपके इतना डीपली ज़्यादा जाना नहीं है अपने को, बस थ्योरी में मैं बता देता हूँ। क्या देखना, अब सिंपल है, प्लस माइनस तोड़ो और जोड़ दो। ये एल्किल हैलाइड KCN, KCN कैसा यौगिक होता है ध्यान रखना, ये है आपका आयनिक यौगिक, आयनिक क्या यौगिक, ठीक है। अब आप आयनिक यौगिक है तो इसका मतलब ये टूटेगा किस में, आयंस में, तो आयंस में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये धन विद्युती और ये बिंद ऋण विद्युती, तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, क्या बनेगा, K प्लस एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ आ गया क्या माइनस, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, इसको अच्छी तरह अपन जानते हैं, ये बंध ध्रुवीय है तो यहाँ क्या आया माइनस और यहाँ क्या आया बोलो प्लस, बता रखा है। क्या करना है अब आपको, देखो ये नाभिक स्नेही हो गया, ये अटैक करेगा कहाँ, इस पे। अब यहाँ देखो, एक तो सिंपल सी बात मालूम चल गई अपने को, मुख्य उत्पाद तो इसके साथ बनेगा और सह उत्पाद ये बनाएंगे, सह उत्पादों को हटाओ, क्या बना KX बाहर निकल गया, झंझट खत्म। अब इस एल्किल समूह के पास ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये एल्किल समूह मानो, या अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख जा सकते हैं, ये क्या होता है एक तरह से कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले, या तो इस कार्बन से ले या इस नाइट्रोजन से ले, ठीक है। अगर ध्यान रखना, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले, मतलब ये इसको दे, तो उत्पाद क्या बनेगा आपका, ये बन गया C सिंगल बॉन्ड CN, ये उत्पाद बना। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, अगर नाइट्रोजन ने किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, तो अब मैं देखो चेंज कलर से चेंज कर देता हूँ, अगर मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, इस कार्बन को मिल गए, तो आपका क्या बना उत्पाद बोलो, उत्पाद बना यहाँ N और क्या C। ये तो हुआ साइनाइड, साइनाइड, और ये हुआ आपका क्या आइसो, आइसो क्या साइनाइड, ठीक है। अब आया कि भाई स्थाई कौन सा होगा, तो इसके केस में ध्यान रखना जो मुख्य उत्पाद होता है वो क्या बनता है, साइनाइड, ये, यानी यहाँ मुख्य उत्पाद क्या बना बोलो, CN, एल्किल साइनाइड, एल्किल क्या साइनाइड, ये बना भाई। अब आया कि सर क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, क्योंकि ध्यान रखना ये जो CC आबंध बना है यहाँ, इन दोनों कार्बनों के बीच में जो नया बंध बना है, ये प्रबल होता है किसके कंपैरिजन में, इस CN आबंध के कंपैरिजन में, तो जो बंध ज़्यादा प्रबल होता है वो ही बनता है उत्पाद, तो ये बनेगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब
इसके केस में देखो यहां क्या हो रहा है। चलो एक बार, हाँ ये तो बंद स्थायित्व से समझा दिया, आपकी किताब में क्लियर सा शॉर्ट में आंसर दे रखा है कि ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ इस नाभिक स्नेही केंद्र से क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बंद जब इन दोनों के बीच में बनेगा तो ये बन जाता है साइनाइड। ये तुम्हारी किताब की भाषा है। एक्चुअलिटी में क्या होता है, कार्बोनियम आयन तथा नाभिक स्नेही की क्रिया से बनने वाला सीसी आबंध प्रबल होता है, किसकी तुलना में, सीएन आबंध की तुलना में, अतः मुख्य उत्पाद साइनाइड बनता है। ये एक्चुअलिटी में आंसर बता देंगे अपन। अब आ जाओ इसके बारे में बात करें, सेम राम कहानी, यहाँ क्या माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, प्लस। ये सेम राम कहानी हो गई। यहाँ देखो ये कैसा यौगिक है, ध्यान रखना सह संयोजी, ये है सह संयोजी यौगिक है, ध्यान रखना कैसा यौगिक है, सहसंयोजी। तो सहसंयोजी यौगिक होने के कारण गलती से ध्यान रखना इस बॉन्ड को मत तोड़ देना, ऐसे मत तोड़ देना कि भाई ये तोड़ दिया, ये लो सर ए जी प्लस और सी एन माइनस, ये बॉन्ड तोड़ दिया सर ये लो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं टूटता। क्यों, सहसंयोजी बंद में क्या होता है, दोनों का साझा होता है, तो ये बंद ऐसे आसानी से नहीं टूटता। तो बंद नहीं टूटेगा तो इसका मतलब अब क्या हुआ, इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं इसको, नाइट्रोजन पे, ठीक है नाइट्रोजन पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ देखो ए जी किसको ले जाएगा, एक्स को, तो क्या बाहर निकला ए जी एक्स, और ये आर यानी कार्बन, आर का मतलब है कार्बन, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन से, तो बंद क्या बनेगा बोलो, एन सी यानी एल्किल आइसो क्या साइनाइड। ठीक है ये बन गया भाई, देख लो, तो ये आ गया समझ में, ठीक। ध्यान रखना ये आयनिक यौगिक है, या नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन होता है, अतः अभिक्रिया उत्पाद क्या बनता है, साइनाइड, जबकि यहाँ सहसंयोजी यौगिक है तो इसका आयनन इस रूप में, आयन के रूप में तो होगा नहीं, लेकिन नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन होता है तो कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नाइट्रोजन से, तो उत्पाद बनाता है आइसो साइनाइड। ठीक है ये हो गया, इसको मिटा रहा हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हो गया, ये देखो भाई, ठीक। अब आते हैं यहाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आर या सी की जगह क्या लगा लो, मेथिल या एथिल ग्रुप लगा लो बस, जैसे मैंने कहा सी एस थ्री सी एच टू और क्या सी एल, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ क्या के सी एन, ठीक है, और इसके साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है। तो अब आप जब तक ये लगाओ मैं दूसरा उधर क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही सी एस थ्री सी एच टू और क्या सी एल रिएक्शन करा दो, क्या ए जी सी एन से गर्म कर दो। तो चलो बताओ अब, सिंपल सी बात है, ये आयनिक यौगिक है, किस रूप में टूटा, के प्लस और सी एन किस पे, माइनस पे, ठीक है। और यहाँ बंद कैसे हो गया, ये माइनस और ये क्या प्लस, ठीक है, क्या बाहर निकला माइनस के सी एन, सॉरी के सी एल, और अब ये कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन से, तो फाइनली उत्पाद क्या बना बोलो, सी एस थ्री सी एच टू सी एन, क्या नाम हो जाएगा, एथिल साइनाइड, एथिल सा ये ना इड, ठीक है आ गया समझ में, हो गया। अब इसकी बात करें अपन, तो ये वही यहाँ क्या माइनस और यहाँ क्या प्लस, लेकिन अब ये सहसंयोजी योगे क्या, तो इस रूप में न टूट के इसको कैसे लिख लें अपन, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, तो क्या बाहर निकला बोलो, ए जी एक्स बाहर निकल गया या ए जी सी एल बाहर निकल गया, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बना सी एस थ्री सी एच टू और क्या एन सी, क्या नाम हो जाएगा, एथिल
आइसो एथिल आइसो क्या सा ये ना इड एथिल आइसो साइनाइड ओके ये हो गया ठीक है हो गया इनको लिख लो फिर क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में वो बताते हैं अपन। चलो अब क्वेश्चन क्या आता है मिटाते हैं इसको में अपन। बोर्ड वाले का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देता है क्या मैं शॉर्ट में बोल दे लिख देता हूँ बोल पूरा दूंगा। एल्किल हैलाइड क्या KCN से क्रिया कर क्या बनाते हैं एल्किल साइनाइड बनाते हैं जबकि AgCN से क्रिया कर अभिक्रिया उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं क्यों ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में क्या ये वाला क्वेश्चन आता है मिल भी जाएगा आपको किताब में क्या एल्किल साइनाइड KCN से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं देख लो एल्किल साइनाइड KCN से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं जबकि AgCN से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं क्यों ये अब यहां इसका सिंपल सा आंसर है ध्यान रखना क्योंकि KCN के आयनन से प्राप्त साइनाइड आयन में नाभिक स्नेही यहां आंसर लिख देता हूं मैं देखो लिख लेना थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिख देते हैं चलो क्योंकि KCN के आयनन से प्राप्त साइनाइड आयन सूत्र लिख लेना ये ठीक है साइनाइड आयन में नाभिक स्नेही केंद्र क्या कार्बन परमाणु होता है जबकि सह संयोजी एजी सहसंयोजी यौगिक AgCN में नाभिक स्नेही केंद्र क्या होता है नाइट्रोजन परमाणु होता है ठीक है कंप्लीट फिर क्वेश्चन रिपीट कर देना आ गया क्वेश्चन करें एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया करके क्या बनाता है साइनाइड क्यों क्योंकि KCN के आयनन से प्राप्त साइनाइड आयन में नाभिक स्नेही केंद्र कार्बन होता है जो इलेक्ट्रॉन देगा जबकि सहसंयोजी हो गए KGCN में नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन एटम होता है तो यहाँ कार्बन कौन किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नाइट्रोजन से तो इस केस में तो बनता है जब नाभिक स्नेही केंद्र नाइट्रोजन है तो बनेगा आइसोसाइनाइड और नाभिक स्नेही केंद्र कार्बन है तो क्या बनेगा बोलो साइनाइड ठीक है ये क्वेश्चन आ जाता है अपना ठीक उतार लो इसको फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ओके चलो ये हो गया अपना अब आओ भाई किस पे नेक्स्ट रिएक्शन आई अपनी सोडियम नाइट्राइट सूत्र क्या होगा NaNO2 से क्रिया ठीक है और इधर देखेंगे सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया यहाँ वही कंडीशन है सोडियम साइनाइड कैसा यौगिक होता है ध्यान रखना ये कैसा यौगिक होता है आयनिक कैसा यौगिक है आयनिक यौगिक
ठीक है, हो गया सेम वही जो ऊपर समझा था। यहाँ सिल्वर नाइट्राइड कैसा होता है? सहसंयोजी, सह संयोजी यौगिक हो गया, ठीक है, हो गया, उसमें सहसंयोजी लक्षण होते हैं। अब इसकी संरचना लिखेंगे तो अपन की कैसी बनेगी? ये, और इसकी संरचना कैसी होती है? ये, यहाँ क्लियर दिख रहा है, रिएक्शन कराओ, वही देखो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा बोलो? चलो यहाँ लिख देता हूँ, क्या बना Na तो प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बोलो? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा तो माइनस N डबल बॉन्ड O, यही बना ना, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये Na तो किसको ले उड़ेगा? X को। ये तो किसको ले उड़ा है? इसको, तो क्या बाहर निकला? NaX। तो उत्पाद क्या बना बोलो? R O N O, क्या बना? R O N डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं एल्केन नाइट्राइड। क्या कहते हैं? एल्केन नाइट्राइड, एल्केन नाइट्राइड, ठीक है, हो गया। यानी सिंपल सी बात है, आयनिक यौगिक जो पोटेशियम नाइट्राइट है उसमें नाभिकीय केंद्र कौन होता है? ऑक्सीजन। तो कार्बन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये बनता है एल्केन नाइट्राइट। जबकि इसके केस में देखो, ये क्या माइनस और ये क्या बोलो? प्लस। अब यहाँ नाभिकीय केंद्र कौन होता है? जिसके पास देने योग्य इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ किसके पास है? इसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये नाइट्रोजन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये एजी किससे? जैसे ही ये इसको देगा ये बाहर निकलेगा, और ये किसको ले जाएगा? इसको। तो क्या बाहर निकला बोलो? एजी एक्स बाहर निकल गया, और ये आर किससे जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन से। तो क्या बना बोलो? आर एन डबल बॉन्ड ओ, और ये उपसंयोजी बंध ए, ठीक है, ये बना नाइट्रो एल्केन। क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन, ओके, ये हो गई आपकी रिएक्शन। तो ध्यान रखना, सेम ऊपर वाला कंसेप्ट ही है। यहाँ सोडियम नाइट्राइड के केस में नाभिक स्नेही केंद्र ऑक्सीजन, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के केस में नाभिक स्नेही केंद्र कौन होता है बोलो? नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन है नाभिक स्नेही केंद्र, तो कार्बन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। यहाँ कार्बन किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। जब ऑक्सीजन से जुड़े तो ये एल्केन नाइट्राइड, और जब नाइट्रोजन से जुड़े तो नाइट्रो एल्केन, ठीक है, हो गया। अब इस पे बेस्ड अपन क्या बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो देख लें। तो बोर्ड में क्वेश्चन क्या आएगा वो देखें अपन। चलो देखो, मैंने कह दिया, यहीं लिख देता हूँ C2H5 और क्या Br, ठीक है। एक तरफ तो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किससे बोलो? AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड से गर्म कर दो। और दूसरी साइड में अभिक्रिया करा रहा हूँ किससे? पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 के साथ गर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, इसको और इसको क्या करो? आइडेंटिफाई करो, ये देख लो। तो सिंपल है क्या? यहाँ तो नाभिक स्नेही, यहाँ इसको कैसे लिखते हैं अपन इस रूप में? KON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो नाभिक स्नेही केंद्र यहाँ किसको दिखाओगे? O को। यहाँ कैसे लिखते हैं? लिख रखा है अपन ने N डबल बॉन्ड O, और क्या O, और क्या Ag। तो यहाँ नाभिक स्नेही केंद्र कौन हो गया? ये। बाकी का आपका क्या हुआ बोलो? ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। और यहाँ क्या आ गया बोलो? इस कार्बन पे प्लस आ गया। तो अब क्या करो इसके केस में? तो क्या बाहर निकलेगा बोलो? ये Br किसको ले जाएगा? K को। तो क्या बाहर निकलेगा? KBr।
ठीक है। और इसके केस में ये बीआर किसको ले जाएगा, एजी को, तो क्या बाहर निकलेगा, एजी बीआर, ठीक है। फाइनल उत्पाद क्या बनेगा, C2H5, यहाँ तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोलो, C2H5NO2, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आंसर रहा हुआ, बोलो, C2H5 और क्या, ONO, ये आ गया, ठीक है। नाम इसका क्या हो जाएगा, एथिल या एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइट, ये इसका नाम हो गया। ऐसे इसका नाम क्या हुआ, बोलो, एथिल नाइट्रो एथेन, नाइट्रो क्या, एथेनो, नाइट्रो एथेन, ये लो भाई, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये अपन ने चार रिएक्शन देखी जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। या मैं एक हिंट और दे देता हूँ, ट्रिक मानो या हिंट मानो, जहाँ भी एजी आएगा ध्यान रखना, एजी का कोई भी कंपाउंड आ रहा है, जैसे ये लो चाहे ये लो, तो ध्यान रखना एल्किल समूह या कार्बन से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। क्या कह रहा हूँ, एजी का कोई सा भी यौगिक आ जाए, AgCN आ जाए, AgNO2 आ जाए, तो जोड़ना किसको है, नाइट्रोजन को ही, क्यों, क्योंकि यहाँ नाभिक स्नेहकेंद्र नाइट्रोजन होता है, तो इस कार्बन से कौन जोड़ोगे, नाइट्रोजन को, ऐसे यहाँ कार्बन से किसको जोड़ोगे, N को। जबकि इसके केस में इसके अलावा कुछ है तो आप जानते ही हो, संरचना याद रखोगे इनकी, इसकी 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 इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस ध्यान रखना एजी जब भी आएगा, नाभिक स्नेही कौन, केंद्र कौन होगा, कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये अपन ने दे दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, इसको लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे अपना, देखो ये भी एक बार, तो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, नाम याद रखना क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नम सिल्वर ऑक्साइड, इनकी बात याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि सब रिएक्शन आगे वाले चैप्टर में रिपीट होंगी, इसलिए सही ढंग से याद करके चलना। देखो क्या होता है, शुष्क का मतलब होता है इसमें पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही सूखा है, तो जब ध्यान रखना अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराओगे एल्किल हैलाइड की, तो दो अणु एल्किल हैलाइड के क्या आएंगे, प्रयुक्त होंगे, कैसे, अब ध्यान रखना, RX, मान के चलो मैंने क्या ले लिए, दो अणु ले लिए RX, ठीक है, प्लस सिल्वर ऑक्साइड AgO, ठीक है। मैं तुमको रिएक्शन याद रह जाए इसलिए इनको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो सिंपल सी बात क्या हुई, अगर प्लस माइनस के हिसाब से देखें तो अपन जानते हैं बंद के इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इधर से ये ले गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, ठीक है। और इसको देखें तो ऑक्सीजन की तुलना में इनकी विद्युतीयता कम होती है, तो यहाँ क्या आता है, प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को, दोनों को दे दो, या तो इस तरह से समझ लो, नहीं तो देखो कर लिया, या तो इस तरह से समझ लो, नहीं अपन अच्छी तरह जानते हैं, क्या ज़्यादा फालतू की फपूंदी नहीं, देखो प्लस माइनस है तो क्या करो, देखो याद रखने के लिए एक ये बाहर निकाल दो, ये लो भाई, ठीक है, ये हो गया झंझट खत्म। क्या बाहर निकला, 2 times ऑफ क्या, AgX, यानी दो अणु AgX के निकल गए, और क्या हुआ ROR, यानी आपका क्या बन गया, बोलो, उत्पाद के रूप में RO क्या R, ये बन गया ईथर, ईथर, ओके, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो, क्वेश्चन सिंपल सा आता है यहाँ,
क्या इस तरह से दे देगा वो टू टाइम्स ऑफ C2H5Br, ठीक है। और यहाँ उसने दे दिया Ag2O, ब्रैकेट में लिख देगा शुष्क ड्राई DRY, या हिंदी में दे देगा गर्म कर देगा। तो सिंपल सी बात है, कराने का तरीका आप जानते हो अच्छी तरह, क्या होगा बोलो। ये दोनों Ag दोनों BRों को क्या करेंगे, ले जाएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, 2AgBr बाहर निकल गया। ओके, बचे क्या, दो एथिल ग्रुप बचे, जो इधर ऑक्सीजन बचा तो जोड़ दो, क्या बना C2H5 और OC2H5, ठीक है। इसका नाम हो गया आपका, दो एथिल समूह है तो डाई एथिल ईथर, क्या नाम हुआ, डाई एथिल क्या ईथर। ओके, ये लो भाई डाई एथिल ईथर, ठीक है। और अगर डीपली कराना चाहो तो क्या कर दो, इसकी जगह क्या ले लो बोलो, C2H5, और यहाँ भी क्या ले लो बोलो, C2H5। आंसर ये आ गया, देख लो यहाँ क्या आ जाएगा, BR आ जाएगा, ये लो BR, ये BR, ठीक है। बात वही हो गई, देख लो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। C2H5 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो अब आओ अब भाई इसका कंसेप्ट देखो, नम वाले का, क्यों यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। नम का मतलब क्या होता है, नमी, नमी का मतलब वाटर, तो क्या करो इसमें, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, नम Ag2O को अपन क्या लिख सकते हैं, यानी Ag2O को मैंने क्या पिला दिया, पानी H2O। नमी कब आएगी, जब पानी पिलाओगे, ठीक है। ये हो गया, इसको ये लिखते हैं अपन। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो दो तो Ag, दो ऑक्सीजन और दो ही हाइड्रोजन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ Ag क्या OH, ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हुआ इसका, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो कहने की बात क्या हुई, अगर आपको क्या दे रखा है, नम Ag2O दे रखा है, तो इनडायरेक्ट वे में आपको क्या दे रखा है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ध्यान से देख लेना, नम का मतलब शुष्क है तो कोई मतलब नहीं है, अगर नम है तो वो देगा नम ऐसे, लेकिन आप समझ जाना क्या दे रखा है, AgOH। तो अब रिएक्शन आप करा लो कैसे, यहाँ एक ही अनुक्रम आएगा, ये R और क्या X, और बोलेगा क्या आपको, क्या बोलेगा बोलो, ये दे देगा Ag2O कैसा, नम, ठीक है। ये लो भाई, अब रिएक्शन कैसे कराओगे, मैंने क्या कहा, जब ये दे तो इसको किस रूप में मानोगे आप, किस रूप में बोलो, AgOH के रूप में मानोगे, ठीक है। और AgOH को अपन किस रूप में टूटा मानते हैं बोलो, Ag+ और OH- की फॉर्म में टूटा हुआ मानते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इसका माइनस इसके प्लस को दे दो और इसका माइनस इसके प्लस को दे दो, क्या बाहर निकल रहा है बोलो, यहाँ से AgX बाहर निकलेगा, AgX, ये नाभिक स्नेही किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये नाभिक स्नेही किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, क्या बना बोलो, ROH, क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। यानी नम लोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल, और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड लोगे तो क्या बनेगा, ईथर। इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल दें तो ये एग्जाम्पल देख लो भाई, बोर्ड में जनरली यही एग्जाम्पल आते हैं जो मैं लिख रखा हूँ, C2H5Br, इसकी रिएक्शन क्या देगा वो, किससे करा दो, Ag2O कैसा दे देगा ब्रैकेट में, नम, ठीक है, हो गया। वो कहेगा बताइए आंसर क्या होगा, अभिक्रिया उत्पाद। तो सिंपल सी बात है, नम का मतलब किससे रिएक्शन करानी है आपको, AgOH से, और AgOH से कराओगे तो ये किस रूप में टूटा, Ag+ और किस में, OH- में,
तो यहाँ से बोलो इस BR को तो कौन ले उड़ेगा, AG ले उड़ेगा, और इससे कौन जुड़ जाएगा ये। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो, आंसर आपका आ जाएगा बोलो C2H5 और कौन जुड़ जाएगा OH, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, आ गया समझ में, ये हो गया आपका, हो गया। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ शुष्क है तो दो अणु काम आएंगे, क्या बनेगा ईथर, और नम है तो ध्यान रखना क्या बनेगा एल्कोहल। ठीक है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलो। ओके, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।